दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन की ये तस्वीरें चीन को डरा रही हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट का घेराव किया हुआ है। इस प्रदर्शन से चीन सरकार की मुसीबतें बढ़ी हुई है। चीन की सरकार की तरफ से हांगकांग प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने को कहा है और शहर के बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल हांगकांग एयरपोर्ट पर मंगलवार को भी सन्नाटा रहा। ये सन्नाटा सिर्फ विमानों को लेकर था। इस प्रदर्शन की वजह से अभी तक 300 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। चीन ने हांगकांग के प्रशासन को फौरन इस प्रदर्शन को खत्म करवाने को कहा है। चीन ने सैन्य बल का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, चीन ने हांगकांग के बाहर बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हिंसक होते इस प्रदर्शन की वजह से दुनिया के अन्य देश भी सतर्क हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि चीन हांगकांग बॉर्डर के पास सेना की तैनाती कर सकता है ताकि प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया जा सके। दूसरी ओर भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। असल में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन पिछले करीब 10 हफ्तों से चल रहा है। दक्षिण चीन के इस हिस्से में ये प्रदर्शन प्रत्यर्पण बिल आने के बाद तेज हुआ है। हांगकांग में बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं।